यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ। हाईकोर्ट बेंच ने सुनाया कैसा फैसला। योगी सरकार को दिए कैसे आदेश। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मौजूदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लावण्य की पीठ ने यह आदेश दिया। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 दिसंबर को तैयार मौजूदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दे दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना सरकार द्वारा तैयार किए गए ओबीसी आरक्षण के मौजूदा को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का यह फैसला आया। पीठ ने एक पखवाड़े से रुके नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि वह 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। अदालत ने मुकदमे की प्रकृति के कारण शीतकालीन अवकाश के बावजूद मामले में सुनवाई की। राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अंतिम सूची जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर सुझाव आपत्तियां मांगी थी और कहा था कि सुझाव आपत्तियां मिलने के 2 दिन बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने 5 दिसंबर को नगर निगमों की 4 महापौर सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की थी, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए और मेरठ व प्रयागराज ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। 200 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 सीटें आरक्षित की गई थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 18 सीटें आरक्षित थी। राज्य की 545 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई 147 सीटों में इस वर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष की 39 सीटें आरक्षित की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा, यह पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।